अशरफ साहब, जरा रुको मियां। अशरफ साहब, आदाब। आदाब। कैसी हैं आप? जिंदा है। एक एहसान कर दीजिए। बोलिए। सुल्तान साहब का कोई पता हो तो हमें बता दीजिए। जी, खबर यह है कि उनके मौसा जनाब नाजिमुद्दीन उन्हें अपने साथ गड़ी ले गए हैं। गड़ी? जी हाँ, वो वहाँ के मुनसिफ आला हैं। ये वही मौसा तो नहीं जिनकी बेटी का नाम सबा है, जिनसे सुल्तान साहब के वालिद उनका निकाह करने की सोच रहे हैं? गालिबन वही है, आपने सही अंदाजा लगाया। अच्छा, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलना जफर। ये क्या कर रहे हैं? आइए, तशरीफ रखिए। आप भी तशरीफ रखिए हमारे पास। देखिए, आपके कहने पे हमने जुस्तजू भी छोड़ दी और आरजू से भी किनारा कर लिया। अब खिदमत तो करने दीजिए। ये क्या फरमाया आपने? खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। आपको तो हमारा साथ भी गवारा नहीं। ऐसा कब कहा? तो फिर चलिए हमारे साथ खुली हवाओं में, या तो आपका दम भी घुटता होगा। हमेशा के लिए नहीं, एक महीने के लिए ही सही। कहाँ? हमारे यहाँ दौलताबाद। दौलताबाद है कहाँ? यहाँ से काफी दूर, कानपुर से भी परे, गड़ी के रास्ते से होकर जाते हैं। गड़ी से होकर? जी, कुदरत काफी मेहरबान है हम पर, आपका दिल भी भर जाएगा। ठीक फरमाया आपने, हमारा दम घुटता है यहाँ पर। हम चलेंगे आपके साथ, मगर खानम साहब। जब आपको हमारा साथ हो तो खानम साहब क्या, किसी का भी खौफ नहीं होना चाहिए। इजाजत। उमराव, तुमने फैज अली के साथ जाने की जिद की और हमें मुंह मांगी कीमत भी मिल गई। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ, लेकिन खुदा जानता है कि हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। देखो बेटी, हमारी दुनिया जैसी भी है अपनी है, बाहर की दुनिया बहुत बदसूरत है। हम बदनाम जरूर हैं, लेकिन जो भी करते हैं सच्चाई से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, धोखाधड़ी और मक्कारी से नहीं। बाहर जाके कैसी दुनिया में लेके तुझे, ये सोच के दिल कांप होता है। अल्लाह मालिक है। मैं आप ही से मिलने आ रही थी मौलवी साहब, मैं जा रही हूँ। कहाँ? फैसली के साथ, एक महीने के लिए। फैसली के साथ? फैसली के साथ मैं गढ़ी पहुंच जाऊंगी। नवाब सुल्तान वही हैं, उन्हीं के कदमों में जिंदगी गुजारने के इरादे से जा रही हूँ। दुआ कीजिए मेरी दिल की मुराद पूरी हो जाए। आमीन, खुदा तुम्हें खुश रखे। और बेटे, फिर पलट कर इधर मत देखना। मगर वो घड़ी वाली बात आप किसी से ना कहना। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मेरी हर सांस के साथ तुम्हारे लिए दुआ निकलती है। जब तुम यहां आई थी तो मेरा अपना कोई नहीं था, कोई भी नहीं,
तुम आई तो एक बिटिया मिल गई। आज उस बिटिया को खुशी खुशी विदा कर रहा हूं। तुम्हारे अब्बा होते तो ना जाने क्या कुछ देते तुम्हारी विदाई पर। पर मेरे पास तो दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। खुदा के वास्ते ऐसे न कही, आप तो दुनिया के सबसे अमीर बाप हैं। क्या नहीं दिया आपने, प्यार, शफकत, अक्ल, जिसके सहारे मैं इस खुदगर्जी से भरी दुनिया का सामना कर सकूंगी। मैं जहां भी रहूंगी आपको याद करूंगी, अपना ख्याल जरूर रखना। अब जाओ भी, नहीं तो मैं रो दूंगा। रोकर किसी को विदा नहीं करते। जरूरी काम से जाएंगे, आपको कुछ देर यहां रुकना पड़ेगा। जी। ये घुड़सवार कौन है आपके साथ ही? जी, हमारी रियासत के सिपाही हैं ये। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कुछ देर के लिए आप आना लेंगी? बेशक। शुक्रिया। आप हमें यहाँ तनहा छोड़कर जा रहे हैं? खुदा का घर है, इससे महफूज जगह और क्या होगी। हम बस यूं गए और यूं आए। आप तशरीफ रखें। शुक्र है आप आए तो, थोड़ी देर यही सुस्ता लीजिए। या अल्लाह, इनके हाथ में क्या हुआ? कुछ खास नहीं, छोटा सा हादसा हुआ था, उसमें शायद लग गया हो। चलिए आप सामान ले लीजिए, हमें जाना होगा। चलिए। और आपका तमंचा कहाँ है? जी शायद उसी हादसे में गिर गया होगा। चलिए।
چلو خدا حافظ. خدا حافظ مولوی صاحب. خدا حافظ. چلیے. آپ لوگ پیچھے ہٹیے. ڈکیت فیض علی، ہم کئی سالوں سے تمہیں پکڑنے کی فراق میں تھے اور آخر تم ہمارے ہتھے چڑھ گئے. ہم کل رات سے تمہارا پیچھا کرتے آ رہے ہیں. تمہارے باقی سب ساتھی پکڑے گئے اور اب تو ہار باری ہے. لے چلو ان سب کو گڑھی، ان عورتوں کو بھی.